400 वर्षों में कितनी बार 28 तारीख 29 तारीख और 30 तारीख आती है? अगर आपको मालूम है तो 10 से 15 सेकंड में इसका जवाब देने का प्रयास करिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो भी वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर का मतलब ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है, यानी कि 28 की ना होकर 29 की हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, यानी कि फरवरी को 28 से 29 क्यों बना दिया जाता है 4 साल में, इसके पीछे क्या रियल है, रियल फैक्ट है, इसको हम साइंस के माध्यम में, साइंस की रोशनी में समझने का प्रयास करेंगे कि साइंस ने क्या इसके ऊपर अपना प्रकाश दिया है। और दोस्तों, अगर आपसे हम पूछें कि 100, 200 या 2022, 2024 जो है, और 2100 या फिर 1900 जो कि 4 से कट जाएगा, 100वां वर्ष 4 से कट जाएगा, 200वां वर्ष 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाए, क्या ये लीप ईयर है, यानी कि इसमें क्या फरवरी 29 की होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई 4 से भाग देने पर वो आपका लीप ईयर बन जाता है और कहीं पर नहीं बनता है, तो ऐसा क्यों, जबकि 400 और 800, 1200, 1600, 2000, 2000 और 2000 के बाद में 2400, ये आपका जो है एक लीप ईयर है, तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारी इस वीडियो के बनाने के पीछे का उद्देश्य कैलेंडर को समझाना है कि आखिर कैलेंडर में ये सब बदलाव कैसे होता है और कौन इसको करता है और किस आधार पर करता है। तो अगर आपको ये जानना है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि हम पृथ्वी के गति के बारे में। आपने सुना होगा कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। घूर्णन गति क्या होती है, मान लीजिए कि आपने एक बॉल ली और यहाँ पर इसके ऊपर घुमा दी, तो ये घूम रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये अपने स्थान पर ऐसे घूम रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। और पृथ्वी की इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, या इसे हम, और इसी गति के कारण दिन और रात होता है जो कि 24 घंटे का समय लेता है, इसलिए इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी गति क्या होती है, परिक्रमा गति। परिक्रमा गति कैसे होती है, अब इसी गेंद को हमने क्या किया कि किसी चीज के चारों ओर ऐसे घुमाते रहे, तो जब इसको हम घुमाते रहे तो ये जो गति होगी इसको हम परिक्रमा गति कहते हैं, किसी की चीज के चारों ओर। तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य की, तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, या इसको, और इसको होने में कितना समय लेता है, यानी कि पृथ्वी एक चक्कर यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगी, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, एक साल 365 दिन, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन और मौसम में बदलाव होता है। तो यहाँ पर यही सब खेल होता है, यही अपने कैलेंडर को इसी के कारण कैलेंडर में बदलाव आता है कि कैसे 29 की फरवरी कैसे 400 से भाग किया जाता है, इन सब का यही डिग्निफाई करता है, इसी के कारण होता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तब जो आपका वर्ष था वो 0001 से शुरू हुआ। इसे एडी भी कहते हैं, नोडोमनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, बहुत लोग ईसा मसीह के आफ्टर डेथ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से इस कैलेंडर के जन्म से ही इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। इस कैलेंडर को ग्रेगेरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि आज 2022 चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये वर्ष शुरू हो गए। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि एक परिक्रमा होने में एक ईयर लगते हैं, कितने, एक ईयर मतलब एक वर्ष, एक वर्ष कितने दिन में करता है पृथ्वी जो है घूमने, 365 दिन, लेकिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और आपके 45.51 सेकेंड लगते हैं, जबकि आप क्या समझते हैं कि 365 दिन पूरा पूरा नहीं होता है। जब इसको नापा गया साइंस यानी कि जो आपको साइंटिस्ट ने नापा, तो इसमें समय कितना लगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। तब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 5 घंटे 48 मिनट 45.1 सेकेंड जो है, इसको हमने क्या मान लिया कि ये इसको 6 घंटे मान लिए, यानी कि 6 आवर मान लिया।
और ये 6 आवर अगर हम 4 साल में देखेंगे, 4 ईयर में, तो ये 6 आवर मिलकर 6 चौको 24, यानी कि 24 आवर बन जाए, और 24 आवर बराबर 1 डे, यानी कि 1 दिन। तो अब आपने ये देखा कि 4 साल में जो 6 घंटा 1 साल में बढ़ता था वो क्या हो गया, 4 साल में 24 घंटे बढ़ गया, यानी कि 1 दिन बढ़ गया। तब यहां पर क्या सोचा गया कि जो 1 दिन बढ़ गया, अब इसको कहां पर, इस कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहां पर शिफ्ट किया जाए। तो यहां पर शिफ्ट करने के लिए एक ऐसा महीना ढूंढा गया जो कि वो था फरवरी को ढूंढा गया, कि जब भी कोई चीज बढ़ेगा या घटेगा तो हम उस फरवरी में घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे। तो फरवरी को उठा लिया गया। तो अब आपने देखा कि जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो चौथे साल में 1 दिन बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए जो आपकी फरवरी होती है 4 साल बाद वो क्या होती है, 4 साल बाद वो 28 का ना होकर 29 की हो जाती है। तब आपने इस लॉजिक को समझ लिया। तो जो 4 साल बाद आता है उसे हम लीप ईयर, या हिंदी में इसे अधिवर्ष भी कहते हैं, तो इसे लीप ईयर कहा गया। अब आपने ये समझ लिया। अब यहां पर देखिएगा गौर से कि 5 घंटे 48 मिनट 45 पॉइंट इतना सेकंड था, तो आपने ये देखिए इसको 6 घंटे मान लिया था, जबकि ये 6 घंटे नहीं था, आपने 12 मिनट ज्यादा मान लिया। इसको भी छोड़कर रखिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा अंक है, इसको काफी लॉन्ग समय बाद इसका लेकिन असर पड़ जाता है। तो चूंकि आपने ये 12 मिनट आपने ज्यादा मान लिया, तो ये जो 12 मिनट आपने ज्यादा मान लिया तो लॉन्ग समय बाद कुछ तो इसकी वैल्यू होगी। तो ऐसा देखा गया कि 400 सालों तक जब ये 12 मिनट बढ़ता रहा, कितने सालों तक, 400 सालों तक 12 मिनट जब बढ़ता रहा, तो कैलकुलेट जब किया गया तो ये 72 घंटे से ज्यादा आया, लगभग ये 80 घंटे आता। तो 72 घंटे से जब ज्यादा आया, यानी कि इसको हमने 72 घंटे मान लिया, और जो आगे जो बढ़ा है वो कभी और शिफ्ट किया जाएगा। तो जब ये 72 घंटे ज्यादा बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 दिन बन गए, यानी कि 3 डेज हो गए। तो 400 सालों में जो 3 डेज बढ़ गए, अब यहां पर फिर कैलेंडर में 3 दिन जो बढ़ गए, कहीं ना कहीं शिफ्ट करना था, यानी कि अब इसको कहां पर रखोगे। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो यहां पर 400 सालों में 3 दिन बढ़ गया, तो इसका मतलब हो गया कि अब इसको कैसे शिफ्ट किया जाए। तो इसको शिफ्ट करने के लिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहां पर हमने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, फिर यहां पर ऐसे 500, 600, 700, 800, यहां पर 900, फिर 1000, फिर 1100, ऐसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा, 00 उसमें रहे। तो यहां पर यह देखा गया कि 400 सालों में 3 दिन बढ़ रहे हैं तो कैसे शिफ्ट किया जाए। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि हर चार साल बाद जो 4 से कटने वाला है वो आपका एक लीप ईयर होता है, यानी कि उसमें 366 दिन होती है, फरवरी 29 की होती है। तो अब आप जानते हैं कि जो 1/2 वर्ष होगा 100 वाला, ये भी फरवरी, भी इसमें भी फरवरी 29 की होगी, इसमें भी फरवरी 29 की होगी, इसमें भी फरवरी 29 की होगी। तो क्या किया गया कि ये 3 दिन जो 400 सालों में बढ़ जा रहा है, इसमें से माइनस कर दिया गया, इसमें से माइनस कर दिया गया, इसमें से माइनस कर दिया गया, और ये जो आपका 400 था, 3 दिन यहां पर आपके शिफ्ट हो गए, यानी कि 400 सालों में 3 दिन जो अतिरिक्त बढ़ रहा था उसको शिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए जब सवाल कभी कभी पूछा जाता है नॉर्मल सा कि 100 क्या आपका एक लीप ईयर है, तो यहां पर आंसर आएगा बिल्कुल भी ये लीप ईयर नहीं है। जबकि लोगों का ख्याल ये रहता है कि 4 से डिवाइड करो और अगर कट जाता है तो वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे होंगे कि 400, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं होगा। उसी प्रकार 400 एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 3 साल ही तो आपको 400 सालों में एडजस्ट करना था। तो अगले 400 सालों में 500, 600, 700, 800 में इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी माइनस, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसलिए 400 से कटने वाला, यानी कि 400 से जो भी
साल कट जाएगा उसे हम सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं शताब्दी ईयर बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष जो होता है वो भी एक लीप ईयर होता है। अब आपने समझ लिया होगा कि 29 की फरवरी क्यों होती है और 400 से भाग होने वाला वो लीप ईयर होता है, एक एक साल कैसे हमने एडजस्ट किया ये आपने समझ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 400 वर्ष, देखिए शुरू में आपने आपसे सवाल पूछा गया था कि 400 वर्षों में 29 तारीख, 30 तारीख और 28 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपने जब ये जान लिया तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि 12 महीने होते हैं, कितने 12 मंथ होते हैं एक साल में, 12 मंथ होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर 30 तारीख लेनी है या आपकी 30 तारीख लेनी है तो आपकी 11 महीने ऐसे होंगे कि उसमें तो 30 तारीख आनी ही है, क्योंकि और जो भी फरवरी को छोड़कर उसमें या तो 30 तारीख होंगे या 31 होंगे। तो 30 तारीख यानी 30 तारीख कितनी बार आएगा 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी, तो 11 महीनों में तो आना ही है, ठीक 11 वर्षों में आना, तो 400 वर्षों में हमें पता करना है, तो 400 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 4400 बार 30 दिन आएगा 400 ईयर में। लेकिन वहीं पर अगर हम 28 पूछें, क्या पूछें कि 28 तारीख कितनी बार आएगी, तो 28 तारीख एक ऐसी है कि ये 12वां महीना में आएगी, और जब 12वां महीना में आएगी तो 12 × 400 बराबर 12 चौक 4800 बार आएगी। लेकिन जो मेन पॉइंट फंसता है कि 29 तारीख एक 400 सालों में कितनी बार आएगी, तो आइए इसको हम पता करते हैं 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपने जान लिया कि 11 बार, देखिए 11 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 11 महीने तो 29 तारीख तो आएगी ही आएगी, तो 1100 × 400 यानी कि 4400 बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब 29 तारीख हर 4 साल बाद भी आती है, तो हर 4 साल बाद जब आती है तो यहां पर आप देखिए कि 100 वर्षों में कितनी बार आना चाहिए, कितनी बार 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार आना चाहिए, लेकिन 25 बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, क्योंकि 100 जो है एक दिन एडजस्ट किया गया है, इसलिए कितनी बार आएगा 24 बार आएगा। कितनी बार लीप ईयर आएगा 100 वर्षों में 24 बार, दूसरे में भी 24 बार और तीसरे में भी 24 बार। लेकिन आप देखिएगा 400 वर्ष में 24 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 400 में एक दिन शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि 400 भी एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें 25 बार आएगा। तो यहां पर कितना हो गया 25, देखिए यहां पर 24 किया, 24 चौको कितना हो जाएगा 96 और एक 97, यानी कि 97 बार और जोड़ दीजिए तो 4497 बार क्या आएगा, 4497 बार आपका 29 तारीख, या फिर ऐसा कह दीजिए कि 29 तारीख आपकी आएगी, यानी कि इतने लीप ईयर के कारण इतनी बार आ गए। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि 1542 वर्षों में, 1542 वर्षों में कितनी बार आपका सेंचुरी ईयर आएगा, यानी कि कितनी बार आपकी सेंचुरी लीप ईयर कितनी बार आएगी, सेंचुरी ईयर तो आपको पता है, लीप ईयर कितनी बार आएंगे अगर आपको पता है तो कमेंट माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक